बस बिजनेस सीरीज के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज भारत में बहुत सारे लोग बस बिजनेस को करना चाहते हैं, पर उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, तो आज हम ये सीरीज आपके लिए शुरू कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे स्लीपर कोच बस बनाने के लिए लगने वाली स्लीपर कोच चेसिस के बारे में। भारत में आज 4 स्लीपर कोच चेसिस को बहुत ज्यादा डिमांड है और उन्हीं की आज हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर हमने जो भी बसेस बताई है तो उनमें अपने अपने खासियत है और हम किसी भी कंपनी को बुरा भला नहीं कहना चाहते। हम सभी कंपनियों का सम्मान करते हैं और साथ ही दोस्तों सभी गाड़ियों की हमें कदर है। इस सीरीज में नंबर 1 पर आती है अशोक लैंड TF2512। जी हाँ, इस गाड़ी में आपको 250 HP का इंजन मिल जाता है 900 न्यूटन मीटर के टॉर्क के साथ। इस गाड़ी की इंजन टेक्नोलॉजी की बात कर ले तो इस गाड़ी में आपको ए सीरीज CRS 4 सिलेंडर का इंजन मिल जाता है। इस गाड़ी की फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात कर ले तो इस गाड़ी में आपको 350 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। इस गाड़ी की कीमत शुरू होती है 34 लाख से। इस गाड़ी का GVW की बात कर ले तो इस गाड़ी का GVW 16,200 किलो यानी 16,200 kg से। इस गाड़ी में आपको माइलेज की बात करें तो इस गाड़ी का माइलेज 3.2 किलोमीटर टू 3.9 किलोमीटर प्रति लीटर का इसमें आपको माइलेज मिलता है। दूसरी गाड़ी है टाटा LPO 1622, जिस गाड़ी में आपको 220 HP का इंजन मिलता है 850 न्यूटन मीटर के टॉर्क के साथ। इस गाड़ी की इंजन टेक्नोलॉजी की बात कर ले तो इस गाड़ी में आपको क्यूमिंस BS6 6 सिलेंडर इंजन मिलता है। इस गाड़ी में आपको फ्यूल टैंक की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 350 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। और गाड़ी की प्राइस की बात कर ले तो इस गाड़ी की कीमत शुरू होती है 30 लाख रुपीज से। इस गाड़ी के GVW की बात कर ले तो इस गाड़ी का GVW 16,200 kg यानी 16,200 किलो है। और इस गाड़ी की माइलेज की बात कर ले तो इस गाड़ी का माइलेज 3 to 3.9 किलोमीटर प्रति लीटर का इसमें आपको माइलेज क्लेम होता है। थर्ड पोजीशन पर है आईशर 6016। इस गाड़ी में आपको 210 HP का इंजन मिल जाता है 825 न्यूटन मीटर के टॉर्क के साथ। इस गाड़ी की इंजन टेक्नोलॉजी की बात कर ले तो इस गाड़ी में आपको VEDX 5 4 सिलेंडर इंजन आपको इसमें मिल जाता है। इस गाड़ी में आपको 425 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। इस गाड़ी कीमत की बात कर ले तो इस गाड़ी कीमत 24.96 लाख से एक शुरू कीमत इस गाड़ी की शुरू होती है। इस गाड़ी की GVW की बात कर ले तो इस गाड़ी में आपको 16,200 किलो का GVW इस गाड़ी में आपको मिल जाता है। और इस गाड़ी की माइलेज की बात कर ले तो इस गाड़ी का माइलेज 3.2 किलोमीटर प्रति लीटर टू 4 किलोमीटर प्रति लीटर तक इस गाड़ी में आपको माइलेज क्लेम किया जाता है। फोर्थ पोजीशन पर है भारत बेंज 1624। इस गाड़ी में आपको 240 HP का इंजन मिलता है 850 न्यूटन मीटर के टॉर्क के साथ। इस गाड़ी के इंजन टेक्नोलॉजी की बात कर ले तो इस गाड़ी में आपको OM 926 6 सिलेंडर इंजन आपको इसमें मिल जाता है। इस गाड़ी की फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात कर ले तो इस गाड़ी में आपको 38 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है। इस गाड़ी की कीमत शुरू होती है 35 लाख से और खत्म होती है 38 लाख तक। ये गाड़ी की एक शोरूम कीमत है, इस बात को गौर कीजिए। इस गाड़ी की GVW ने ग्रॉस व्हीकल वेट की बात कर ले तो इस गाड़ी में आपको 16,700 किलो का GVW मिल जाता है। और इस गाड़ी की माइलेज की बात कर ले तो इस गाड़ी का माइलेज 3.3 किलोमीटर प्रति लीटर टू 3.9 किलोमीटर प्रति लीटर क्लेम किया जाता है। दोस्तों, अभी हम जानते हैं इन गाड़ियों में से सबसे बेस्ट कौन है। इंजन की बात कर ले तो इंजन कैटेगरी में आपको अशोक लैंड की TF2512 इस गाड़ी में आपको 250 HP का आपको इसमें इंजन मिल जाता है, जो बाकी गाड़ियों से दमदार है और ज्यादा बड़ा है। पर इन गाड़ियों में सबसे कम इंजन आपको मिलता है आईशर 6016 में। इस गाड़ी में आपको 210 HP का आपको इसमें भी इंजन मिल जाता है। तो इंजन के बाबत में बात कर ले तो अशोक लैंड TF2512 सभी से ज्यादा आगे है। टॉर्क की बात कर ले, जिसका इंजन बड़ा होगा उसका टॉर्क भी बड़ा होगा, तो इस कॉम्पिटिशन में भी आपको टॉर्क फिगर्स में भी TF2512 आगे निकल जाती है। दोस्तों, अभी बात करेंगे इंजन टेक्नोलॉजी की, तो इसमें सबसे पहले हम दो गाड़ियों को मेंशन करना चाहेंगे, टाटा LPO 1622 और भारत बेंज 1624। इन दोनों गाड़ियों में आपको 6 सिलेंडर इंजन मिलता है और अशोक लैंड की TF2512 और आईशर 6016 इन दो गाड़ियों में आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलता है। अभी 4 सिलेंडर और 6 सिलेंडर में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है आप ये समझा दो आपको। दोस्तों, 6 सिलेंडर इंजन की खास बात कर लो तो 6 सिलेंडर इंजन काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू 4 सिलेंडर, क्योंकि इनमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है। दोस्तों, जब कभी 6 सिलेंडर गाड़ियां AC लगाकर गाड़ियां घाट सेक्शन में चलती है तब गाड़ियों को ज्यादा लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता और गाड़ियां आराम से निकल जाती है, जिसके कारण दोस्तों 6 सिलेंडर गाड़ियां इफिशियंट होती है एज कम्पेयर टू 4 सिलेंडर। पर 4 सिलेंडर गाड़ियों में क्या होता है, जब कभी आपकी गाड़ी के ऊपर लोड ज्यादा रहता है, AC का लोड ज्यादा होता है, तब गाड़ियां थोड़ी लैग करने लगती है। पर दोस्तों, BS6 नॉर्म को कंप्लाई करते हुए गाड़ियों के इंजन में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, गियरबॉक्स रेशियो के भी चेंज कर दिया गया है, जिसके कारण दोस्तों आपके लिए 4 सिलेंडर गाड़ियां भी आपकी अच्छी होगी। पर एक बात कर लूं, 6 सिलेंडर इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। एंड बात कर ले भी गाड़ियों की फ्यूल टैंक की, तो फ्यूल टैंक में सबसे बड़ी फ्यूल टैंक आपको आईशर की 6016 गाड़ी में मिल जाती है, जो है 425 लीटर। फ्यूल टैंक बड़ी होने से गाड़ी की रेंज भी बढ़ जाती है और गाड़ी ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस नॉन स्टॉप कवर कर सकती है। पर एक बात कर लूं गाड़ी की फ्यूल टैंक की, तो फ्यूल टैंक अपने हिसाब से आप बढ़ा भी सकते हो, वो बात अलग है। अभी जानते हैं गाड़ियों की कीमत के बारे में, तो आईशर 6016 इस गाड़ी की कीमत सबसे कम है, जो है 24.96 लाख, और ऑनरोड करते करते ये गाड़ी की कीमत आपको 30 लाख तक जा सकती है। पर सबसे ज्यादा और सबसे महंगी गाड़ी यहाँ पर है भारत बेंज की 1624। पर इन सभी गाड़ियों में आपको अलग अलग फीचर्स मिलते हैं, जिसके कारण दोस्तों कीमत ऊपर नीचे हो सकती है। और BS6 गाड़ियों में बहुत सारी गाड़ियों की कीमत यहाँ पर बढ़ चुकी है, ये बात अलग है। पर आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, आपके एप्लीकेशन के हिसाब से आप गाड़ी चूज कर सकते हैं। बात करते हैं ग्रॉस व्हीकल वेट की,
तो अशोक लैंड, टाटा और आयशर इन तीनों गाड़ियों का ग्रॉस व्हीकल वेट 16,200 किलो यानी 16,200 केजी है, पर भारत बेंज 164 इस गाड़ी का जीवीडब्ल्यू सबसे ज्यादा है जो है 16,700 किलो, जो इस गाड़ी को जीवीडब्ल्यू के मामले में बहुत ज्यादा आगे लेके चलता है। पर गाड़ियों की भी माइलेज की बात कर लेते हैं तो इन सभी गाड़ियों में आपको आयशर 6016 में ज्यादा माइलेज मिलता है जो है 3.2-4 किलोमीटर प्रति लीटर। दोस्तों गाड़ी का जो माइलेज होता है बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे गाड़ी कौन चल रहा है, गाड़ी किस रोड पर चल रही है और गाड़ी का जो कंपनी के माइलेज वो अलग होता है और आप जो क्लेम करते हो माइलेज अलग होता है। इसके कारण दोस्तों माइलेज यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, पर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आप कौन सी गाड़ी ले सकते हैं, इनमें से कौन सी गाड़ी आपके लिए बेस्ट है। अगर आपका बजट कम है यानी आपका बजट 25 लाख, 26 लाख, 30 लाख तक है तो आप आयशर की 6016 ले सकते हो। इसमें फीचर्स भी काफी अच्छे हैं, जैसे कि आपको इसमें क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, इसमें आपको रिटर्नर मिल जाता है और बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। अगर आपका बजट 30 लाख से 35 लाख के बीच में है तो आप अशोक लैंड की TF2512 और टाटा एलपीओ 1622 आप इसमें प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपका बजट 35 लाख के ऊपर है, 35 लाख से 40 लाख के बीच में चेसिस का बजट, तो आप इसमें भारत बेंज 1624 भी ले सकते हो, क्योंकि हर एक गाड़ी की अपने अपने अलग अलग फीचर्स होते हैं जिसके कारण दोस्तों गाड़ी कीमत ऊपर नीचे हो सकती है। सर्विस कॉस्ट के हिसाब से देखें तो टाटा अशोक लैंड का जो सर्विस कॉस्ट है वो थोड़ा कम है, पर आयशर और भारत बेंज का सर्विस कॉस्ट भी ठीक ठाक है, कोई ज्यादा नहीं है, क्योंकि BSS गाड़ियों में AdBlue एड हुआ है और गाड़ियों की सेंसर वगैरह जो है वो गाड़ियों में बढ़ चुके हैं। दोस्तों इस लिस्ट में हमने गाड़ियों की जो अरेंजमेंट की थी वो हमने रैंडमली की है, इसमें ना कोई नंबर वन है ना कोई नंबर लास्ट है, पर एक बात कर लो, इन सभी गाड़ियों को हम रिस्पेक्ट करते हैं और सभी गाड़ियों में से आपकी कौन सी गाड़ी फेवरेट है हमें कमेंट करके जरूर बताना और सबसे गाड़ी आपको बढ़िया कौन सी लगी ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों ये तो पार्ट वन था, इसके बाद आने वाले वीडियोस में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी बस बिजनेस से रिलेटेड, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ सकते हैं और चैनल पे नए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब किएगा ना मत जाना। और यही पर रुकते हैं के साथ, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।